कनौज एआरटीओ हसीब ने 3 दिन पहले डस्ट से भरा एक ओवरलोड ट्रक पकड़ा था। कागज न होने पर एआरटीओ ने ट्रक खिंचवा कर ऑफिस के पास खड़ा करवा लिया। चालक गाड़ी के पेपर और कानूनी कार्रवाई करने की बात कहकर ट्रांसपोर्ट कंपनी चला गया। ट्रक के बंद केबिन में क्या है, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। सुबह ट्रक के पास स्थित होटल के कर्मचारियों को उसमें से किसी चीज के सड़ने की बदबू लगी तो उन लोगों ने एआरटीओ ऑफिस में इस बात की जानकारी दी। जब केबिन खोलकर देखा गया तो अंदर देखकर सबके होश उड़ गए। उसके अंदर से एक लाश नजर आई। पुलिस ने मौत का कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लाश ट्रक के क्लीनर की थी। 23 तारीख की घटना है। ये ट्रक ओवरलोड था और इसकी बात समझ नहीं थी। यही जो बाईपास है, ओवर ब्रिज नहीं बना हुआ, इसके बाद मैंने पकड़ा और इसको चालान कर दिया इसका, और मूल पर पत्र जमा कर लिए इसके, और इसके अलावा चालान भुगतने के लिए कहा ठीक है, मैं पैसा वगैरह जो भी इसका फीस उसकी पड़ती है पर्सनल से मैं जमा कर दूंगा, और फिर चला गया। गाड़ी यही खड़ी करके चला गया, क्योंकि वहाँ बाहर गाड़ी खड़ी करने जगह तो है नहीं, या जगह थी जो कि आरटीओ ऑफिस ही है, तो इसने कहा कि यही गाड़ी खड़ लगा लें। और लगाने के बाद अभी हमने देखा, लोगों ने बताया कि मतलब नीचे ब्लड गिर रहा है, तो फिर भीड़ इकट्ठा होगी, पुलिस को सूचना दिया मैंने। किसकी गाड़ी है वो तो व्यक्ति पहचाना गया होगा जिसकी गाड़ी है, कहाँ की गाड़ी है ये? ये गाड़ी आरजे नंबर गाड़ी है, राजस्थान की गाड़ी से, राजस्थान की गाड़ी। तो क्या पूरे कहाँ पे खड़ा था आपको, किस जगह पे खड़ा किया गया था इसको? अरे चालान होता है तो उसमें गाड़ी को मतलब अपने कस्टडी में नहीं लेते हैं, बल्कि गाड़ी को छोड़ देते हैं, सिर्फ उसके मूल डॉक्यूमेंट लेते हैं, मूल जो प्रपत्र होते वो लेते हैं। वो चूँकि अपनी सुविधा के अनुसार गाड़ी, क्योंकि यहाँ पास में आरटीओ ऑफिस है, तो अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ ऑफिस ले आया। सर सबसे पहले किसने इसको देखा, किसने सूचना दी इस चीज़ की आप लोगों को? नहीं, यही कि बहुत लोग यहाँ थे करते थे, उन्होंने बताया कि ब्लड नीचे गिर रहा है, तो मौके पर पुलिस पहुँची। जी जी, मैंने इन्फॉर्म किया पुलिस को, एस पी साहब को फ़ोन किया, डी एम साहब को फ़ोन किया, तो उन्होंने पुलिस भी।